हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बिल्डिंग एक्सलेंस। तो आज हम देखेंगे एसी ब्लॉक के एडवांटेजेस। एसी ब्लॉक के एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का इसका जो एडवांटेजेस है वो है रेजिस्टेंट टू फायर। एसी ब्लॉक जो है वो फायर को रेजिस्ट करता है उसके सर्टेन लिमिट तक। मतलब इसका जो फायर रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी है वो मिनिमम जो है वो 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 6 आवर्स। और इसका जो रजिस्ट करने का जो कैपेसिटी इसके साइज पे डिपेंड रहता है। सेकेंड नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। एसी ब्लॉक जो है रजिस्ट करता है इंसेक्ट एंड पेस्ट को, ताकि बिल्डिंग में जो एक्सटर्नल साइड से कीट और मक्खी से जो डैमेजेस होती है एक्सटर्नल बिल्डिंग को ज्यादा नहीं हो जाए। थर्ड नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है साउंड प्रूफ इन नेचर। एसी ब्लॉक का जो साउंड एब्सॉर्ब कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, और ये जो साउंड ऑब्सॉर्ब करता है मिनिमम सर्टन लिमिट तक कर सकता है, और इसका जो लिमिट है साउंड एब्सॉर्ब करने का वो है 45 डेसिबल तक एक साउंड एब्सॉर्ब कर सकता है। इसको हम बिजी सिटी में यूज कर सकते हैं एंड थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, इसमें भी एसी ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक। एसी ब्लॉक का जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो है उसका लाइट वेट। इसके लाइट वेट से जो स्ट्रक्चर पे डेड लोड आने वाला है वो कम हो जाता है, और स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक के टाइम स्टेबिलिटी मिल जाती है। फिफ्थ नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है क्विक कंस्ट्रक्शन वर्क। एसी ब्लॉक का जो साइज रहता है वो लार्ज साइज में अवेलेबल रहता है, 75 mm से 300 एंड अबोव इसका साइज अपना मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके वर्क में जो जॉइंट रहता है वो कम रहता है, और इसका जो कटिंग करने का मशीन रहता है वो भी एग्रेसिव रहता है, तो इससे जो वर्क जो निकलता है वो स्पीड में हो जाता है। सिक्स नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर। एसी ब्लॉक का जो नेचर है वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो इससे बिल्डिंग की लाइफ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, और एसी ब्लॉक के इंग्रेडिएंट्स है वो हाई क्वालिटी के रहते हैं, और इससे जो वर्क होता है वो सुपेरियर क्वालिटी का हो जाता है। सेवन नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। एसी ब्लॉक का जो वर्क रहता है वो लेस इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम रेड ब्रिक से करें तो वन एसी ब्लॉक एज इक्वल टू 8 ब्रिक्स ऐसा प्रोपोर्शन मिल जाता है। एट नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है वर्साटाइल इन नेचर। एसी ब्लॉक का जो नेचर रहता है वो वर्साटाइल रहता है, और इससे जो बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस रहता है वो अट्रैक्टिव दिख जाता है एसी ब्लॉक वर्क से। और इसका जो मतलब आपका एक्सटर्नल एलिवेशन का जो साइज रहेगा वो भी एसी ब्लॉक से अट्रैक्टिव दिख जाता है। 9th नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है नॉन हजार्डस। एसी ब्लॉक का जो नेचर है वो नॉन टॉक्सिक है, और स्मोक से एसी ब्लॉक के कोई इफेक्ट या डैमेजेस नहीं होता। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में इसको स्मोक चिमनी जो है इसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 10th नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है मॉइस्चर रेजिस्टेंट। एसी ब्लॉक जो है रेजिस्ट करता है मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड डैम्पनेस इन रेनी सीजन, क्योंकि इसका जो नेचर है एसी ब्लॉक का वो पोरस है, क्योंकि इसका रेनी सीजन में जो वाटर रहता है वो एसी ब्लॉक में पेनिट्रेट नहीं होता, तो इससे डैम्पनेस एंड ह्यूमिडिटी आने का चांसेस कम रहता है। 11th नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। एसी ब्लॉक का जो नेचर है वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, कटिंग एंड शिफ्टिंग के टाइम जो इससे डस्ट और वेस्टेज जो निकलता है वो इसको रीयूज करते हैं, और इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो हीट एंड स्मेल जो रहता है
वो इन्वायरमेंटल में नहीं आता, क्योंकि इससे जो हीट और स्मेल जो रहता है वो मिनिमम रहता है, तो इससे इन्वायरमेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं हो जाता। 12 नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है लाइट वेट। एसी ब्लॉक का जो फीचर है वो लाइट वेट है, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। और इसका जो डेंसिटी रहता है वो 550 to 650 kg पर m³ है, जो कि वाटर से इसका डेंसिटी कम है। 13 नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है परफेक्ट साइज एंड शेप। एसी ब्लॉक का जो साइज रहता है वो शार्प रहता है, और इसका जो कटिंग रहता है वो मशीन से किया जाता है, तो इसके कटिंग साइज में डिफरेंस नहीं रहता। और इसको हम फिक्स करते हैं तो डायरेक्टली हम एक्सटर्नल साइड से प्लास्टर अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनल साइड से हम जिप्सम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एसी ब्लॉक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3 to 5 Nm/mm² है, और ये जो है 25% स्ट्रांग रहता है अदर प्रोडक्ट से। 15 नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। एसी ब्लॉक जो है हाई कंडक्शन ऑफ हीट कंडक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू सीएलसी ब्लॉक एंड रेड ब्रिक्स, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो लाइम, जिप्सम, एल्यूमिनियम पाउडर एंड रॉ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो रॉ मटेरियल जो रहता है वो भी इसमें ही रीयूज किया जाता है, तो इससे जो इसका हीट कंडक्ट करने का कैपेसिटी जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इतना था इस वीडियो में एसी ब्लॉक के एडवांटेजेस के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।